हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2023 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइस, नीट यूजी 2023 की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से होगा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अलग से होगा। तो स्टेट कोटा के थ्रू स्टेट्स अपने अपना काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। राउंड वन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज गाइज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ किन किन स्टेट्स ने स्टार्ट कर दिया है, कहीं आपकी लास्ट डेट ना निकल जाए। मैं पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ आपको मिलेगा, कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, ऑफिशियल नोटिस या वैकेंट सीट मैट्रिक्स और राउंड वाइज कट ऑफ सभी स्टेट्स के, आपको टाइम टू टाइम इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। जिस भी स्टेट का राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उस स्टेट की मेरिट लिस्ट, सबसे पहले मेरिट लिस्ट जो है आपकी जारी की जाएगी, आप ये रजिस्ट्रेशन कर देंगे तब, और मेरिट लिस्ट के बाद जो राउंड वन की कट ऑफ है, आपसे पहले प्रेफरेंसेस फिल करवाई जाएगी, आपकी पहले मेरिट निकलेगी, आफ्टर दैट प्रेफरेंसेस आपको फिल करनी है, उसके बाद राउंड वन का रिजल्ट और कट ऑफ अनाउंस होगा। तो जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आउट होती है, मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको रजिस्ट्रेशन करना। तो देखिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ से करना है और कैसे ओपनिंग हुई है और क्या लास्ट डेट है। तो देखिए, तो गाइस सबसे पहले जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, तमिलनाडु की स्टार्ट हो गई है। तमिलनाडु स्टेट ने अपना ऑनलाइन जो है आपका स्टार्ट कर दिया है एडमिशन प्रोसेस 2023 के लिए। तो सबसे पहले आपको यहां से चेक करना है, यूजी कोर्सेज में आपको जाना है। ठीक है, अलर्ट के अंदर देखेंगे आप, पहला ऑफिशियल नोटिस देखेंगे, काइंड अटेंशन टू द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर MBBS BDS कोर्सेज फॉर द अकेडमिक ईयर 2023-24 सेशन अंडर 7.5 प्रेफरेंशियल कोटा। ठीक है, ये जो भी स्टूडेंट रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं उनको ये नोटिस पढ़ लेना है, मैं भी आपको पढ़ के बता दूंगी। ठीक है, और यहाँ नीचे कौन कौन से सीटें आपको चाहिए उसके लिए भी, कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया है। तमिलनाडु स्टेट का गैच ओपन हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यूजी कोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे, MBBS BDS में आपको एडमिशन लेना है, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। तो सबसे पहले मैंने ये ऑफिशियल नोटिस जो था वो ओपन किया है। तो क्या काइंड अटेंशन दिया है, देखिए, काइंड अटेंशन टू द कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई फॉर MBBS BDS कोर्सेज फॉर द अकेडमिक ईयर 2023-24 सेशन अंडर 7.5% प्रिफरेंशियल कोटा। 7.5% का जो प्रिफरेंस वाला कोटा मिलता है वो 2023-24 में MBBS और BDS कोर्स करने वाले को किस तरीके से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ 7.5% प्रिफरेंशियल कोटा कौन सा है, जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको अलग से जो है बेनिफिट दिया जाता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल को तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स का एक्स्ट्रा वर्क भी करवाया जाता है, कोचिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है, एक्स्ट्रा तैयारी भी करवाई जाती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है 7.5% का उनका रिजर्वेशन होता है और उनको बेनिफिट दिया जाता है, ताकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आगे निकल सके। तो यहाँ पर दिया है, एज पर द कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा, द करंट एंड प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्टूडेंट, देखिए करंट 2023-24 में और पहले के जो स्टूडेंट रहे हैं 22-23 और 21-22 के, ठीक है, वो अंडर अप्लाई, जिन्हें 7.5% प्रेफरेंशियल कोटा के लिए अप्लाई किया है, गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स नीड नॉट अटैच बोनिफाइड सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था, बोनिफाइड सर्टिफिकेट उनको अटैच करने की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब क्लियरली बोल दिया गया है आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो चेक की जाएगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू EMIS डेटा
डेटा, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो EMIS डेटा होगा वहाँ से चेक किया जाएगा आप क्या आप एक्चुअल में वहाँ से पास आउट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स हु पास्ड क्लास 12th इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, अगर आपने 12th क्लास जो है पास की है, नीड टू गेट बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द चीफ एजुकेशनल ऑफिसर। ठीक है गाइस, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। आपको अप्लाई करना है तो तमिलनाडु स्टेट का ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन, 10 तारीख लास्ट डेट है, 27 तारीख से ओपन हो चुका है, तो फटाफट से अप्लाई कीजिएगा। कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।